नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रायसनगर में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी गति को लेकर आज प्रशासन ने पंचायत समिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों की बैठक ली। वहीं इस बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा जहां एक ओर कोरोना को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन गाइडलाइन पालना को लेकर 2 गज की दूरी नियम प्रशासन खुद ही समझ नहीं रहा है, लेकिन लगातार लोगों को इस नियम को प्रेरित करने के लिए मीटिंग का दौर जारी है। ताज़ा मामला रायसनगर पंचायत समिति से है, जहां प्रशासन द्वारा आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आम जनता को प्रेरित करना, कोरोना संक्रमण गाइडलाइन को लेकर जागरूक करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में प्रशासन खुद ही गाइडलाइन की पालना करवाना भूल गया। पूरा हॉल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ नजर आया। मामले में उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी व ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी राकेश त्यागी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी ने बताया कि लगातार ब्लॉक वैक्सीनेशन को लेकर पिछड़ रहा है तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। वैक्सीनेशन में क्योंकि रायसनगर ब्लॉक की स्थिति काफ़ी समय से थोड़ी पिछड़ी हुई है, हम लोग 36-27% से चल रहे हैं, जबकि हमें टारगेट 100% ही करना है वैक्सीनेशन का। इसके लिए आज सभी मैंने ऑफिस में भी सभी DLOs की मीटिंग ली है और यहाँ भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी सहायिका तीनों की मीटिंग बुलाकर हमें अधिकाधिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहे हैं। मैम, जिस प्रकार से COVID-19 की जागरूकता के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन ये जागरूकता के बजाय जिस प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को भीड़ बकरियों की तरह हॉल के अंदर ठूंसा गया है, तो इससे क्या कोरोना नहीं फैलेगा? नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने विद प्रॉपर मास्क वगैरह के साथ में बैठे थे और अभी अपने ब्लॉक पे इतनी सुविधा है कि सोशल गैदरिंग के लिए सबसे बड़ा हॉल अपने पास में सरकारी यही है। मीटिंग मैम, मीटिंग 4 या 5 बैच में भी हो सकती है। 600 की जो गैदरिंग थी वो महज 2 मीटिंग के अंदर सल्टाई गई है। राज्य सरकार के आदेशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के अनुसार विभिन्न विभागों के लक्ष्यों को टीकाकरण अभियान में पूरा करने के लिए अनवरत बैठ के लेकर के मॉनिटरिंग का कार्य चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज की बैठक बुलाई गई थी। गुरुजी, एक तरफ तो जैसे गाइडलाइन के बारे में 50 आदमी से ऊपर शादियों में घुसने नहीं देते, एक तरफ 300-300 एक ही कमरे में बिठा कर मीटिंग ली जाती है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकांश का इनका टीकाकरण हो चुका है, 90%। टीकाकरण तो हो चुका है, परंतु टीकाकरण के बाद एक एक टीका लगा, अभी दूसरा नहीं लगा इनके। उसके बाद भी सरकार कहती है कि मास्क और दूरी बना के रखो, फिर इसमें तो 300 लोगों में तो दूरी संभव ही नहीं है, तो उसमें कैसे करेंगे? अपने पास क्या था, क्योंकि विद इन 7 डेज का टाइम में अपने को नंबर 1 पे आना टीकाकरण अभियान लक्ष्य। उसके लिए आज माननीय ADM श्री भवानी सिंह जी पवार भी 3 बजे बैठक लेंगे और उसमें भी 300 लोग होंगे। उसमें केवल ब्लॉक लेवल अधिकारीगण की जो ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स समिति बनी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हॉल है महज 100 की कैपेसिटी का भी नहीं है, जिसमें आशा सहयोगियों और कार्यकर्ता को भेड़ बकरियों की तरह 300 से अधिक की संख्या में फूस दिया गया, इसका क्या रीजन है? कोविड इससे नहीं फैलेगा? आखिर उप जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारी क्यों बच रहे हैं इससे? इनको ये कहा था भाई, संख्यात्मक दृष्टि से आनुपातिक दृष्टि से करानी चाहिए, तो ठीक है।